से बड़ी खबर है। जीसीबी नॉर्थ पर देशमुख ने किया है डिकॉय ऑपरेशन। सिविल ड्रेस और निजी कार में निकले रात्रिकालीन नाकाबंदी चेक करने के लिए। रोटरी सर्कल पर कांस्टेबल राजेंद्र प्रसाद ने डीसीपी की कार रुकवाई। बेल्ट नहीं लगा होने पर 500 रुपए मांगे। अब एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई ने इस पर एक्शन लिया है। कांस्टेबल राजेंद्र प्रसाद को सस्पेंड किया गया है। ट्रैफिक के हेड कांस्टेबल ट्रांसपोर्ट नगर थाने में कांस्टेबल सहित 5 बाकी जगह 3 को लाइन हाजिर किया गया है। रात्रिकालीन नाकाबंदी में उगाही करने का आरोप। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई ने इस पर स्पष्ट किया कि किसी भी सूरत में लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। एक तरीके की नई कोशिश जिसमें रात्रिकालीन गश्त और पुलिस के साथ जो नाकाबंदी की व्यवस्था देखी जा रही थी उसको लेकर के डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख ने ये डिकॉय कार्रवाई की। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस कार्रवाई के अंतर्गत सिविल ड्रेस और निजी कार से डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख ने डिकॉय ऑपरेशन किया। सिविल ड्रेस में निकले, निजी कार में निकले रात्रिकालीन नाकाबंदी की व्यवस्थाओं को चेक करने के लिए रोटरी सर्कल पर कांस्टेबल राजेंद्र प्रसाद ने डीसीपी की कार को रुकवाया। बेल्ट नहीं लगा होने पर 500 रुपए मांगे, जिस पर अब सस्पेंड उसे कर दिया गया। और चलिए पूरी जानकारी के साथ सीयोगी सत्यनारायण इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, डिकॉय ऑपरेशन डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख का, उसमें कई बातें भी सामने आई, कुछ लोग सस्पेंड भी हुए हैं रात्रिकालीन नाकेबंदी में जब पहुंचे सिविल ड्रेस में, क्या पूरी जानकारी? देखिए जैसे एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश बिश्नोई को ये सूचना लगी थी कि रात्रिकालीन नाकाबंदी के अंदर जो तैनात रहते हैं पुलिसकर्मी वो वाहन चालकों से उगाही करते हैं, ऐसे में उन्होंने डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख को डिकॉय ऑपरेशन करने के लिए कहा। और परेश देशमुख सिविल ड्रेस में और निजी गाड़ी के अंदर निकले थे। ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके में जो रोटरी सर्किल है वहां पर कुछ पुलिसकर्मी तैनात थे। उन्होंने पुलिसकर्मी ने जब उनको रुकवाया तो उन्होंने बेल्ट नहीं लगा था गाड़ी में, तो उन्होंने साफ कहा कि बेल्ट आपने बेल्ट नहीं है, तुम्हें आप 500 रुपये दीजिए अन्यथा हम आपका चालान बनाएंगे। उसके बाद पूरे मामले की जांच एसीपी आदर्श को सौंपी है, क्योंकि लगातार सूचना मिल रही थी कि पुलिसकर्मी उगाही करते हैं, नाकाबंदी में ध्यान नहीं देते। ऐसे में कैलाश बिश्नोई ने स्पष्ट किया कि जो काम है ड्यूटी है पुलिस की उसमें किसी प्रकार की जो लापरवाही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे भी इस तरह की डिकॉय ऑपरेशन जारी रहेंगे। अगर कोई पुलिसकर्मी लापरवाही करता हुआ मिला तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसी बिल्कुल सत्यनारायण, और ये कार्रवाई की झलक थी जब उन्होंने उसे सस्पेंड भी किया। इसके अलावा भी कुछ लोगों पर ये नकेल कसी गई है, कौन कौन इसकी जिन पर गाजगिरी है इस कार्रवाई के बाद? देखिए जो हेड कांस्टेबल है ट्रैफिक का राजेंद्र प्रसाद, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। और जिस कांस्टेबल ने 500 रुपए मांगे थे वो लाइन में ही तैनात था, उसका नाम भी राजेंद्र प्रसाद है, उसको सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट नगर थाने का एक कांस्टेबल है और साथ साथ एक लाइन का कांस्टेबल है, दो कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल जो ट्रैफिक का है उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। वहीं जो कांस्टेबल जो लाइन में तैनात रहते हैं केवल रात्रिकालीन गश्त पर निकलते हैं, राजेंद्र प्रसाद का नाम बताया जा रहा है, उसको सस्पेंड किया गया है। और बताया जा रहा है कि आज भी पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी जिससे कि रात्रिकालीन जो नाकाबंदी हो रही है उसके अंदर उगाही ना हो सके और पुलिसकर्मी अपने अपने काम पर ध्यान दे सके। बिल्कुल, चलिए सत्यनारायण बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।